سلام هي حتى مطلع الفجر. अस्सलामुअलैकुम जेम्स टीवी के वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे बराहे रास्त सहर नशरियात मतलाइल फजर का हिस्सा हैं, उन्हें मैं अलमीना कमल शेख अपने प्रोग्राम चिराग़े राह में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, रब्बे कायनात की जानिब से रमज़ान का महीना अपने बंदों को दिए जाने वाले तोहफ़ों में से, रहमतों और नेमतों से भरपूर एक ऐसा तोहफ़ा है जो हमारी जिस्मानी, ज़हनी और कल्बी तरबियत के साथ साथ हमारे अंदर सब्र और शुक्र की सिफात और एहसास इंसानियत परवान चढ़ाने का ज़रिया भी है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत साआतों में हम अपने प्रोग्राम चिराग़े राह में कामयाब ज़िंदगी के रोशन उसूल पेश करते हैं और एक कामयाब ज़िंदगी के लिए खुदा की अता करदा नेमतों पर सब्र और शुक्र अदा करने का सबसे अफजल तरीन महीना रमज़ान ही का है। इसलिए आज हम अपने प्रोग्राम में अहादीस मुबारका की रोशनी में माह रमज़ान की अहमियत और रोज़े के असल मकासद पर रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन में हमसे ख़िताब किया और फरमाया, ए लोगों, तुम पर एक अजीम शान और बाबरकत महीना साया फिगन हो गया है। इसमें एक ऐसी रात है जो हजार महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इसके रोजों को फर्ज किया है और रातों के कयाम को निफल। जो शख्स इसमें कुर्बे इलाही की नीयत से कोई नेकी करता है उसे दीगर महीनों में एक फ़र्ज अदा करने के बराबर समझा जाता है और जो शख्स इसमें एक फ़र्ज अदा करता है गोया उसने बाकी महीनों में 70 फराइज अदा किए। ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत ही है। यह गम खारी का महीना है, इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराता है उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और उसे दोजख से आज़ाद कर दिया जाता है। नेज उसे इसके बराबर सवाब मिलता है और उसके सवाब में कोई कमी वाक़ नहीं होती। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमने से हर एक रोज़ा अफ्तार कराने की ताकत नहीं रखता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला एक खजूर खिलाने या पानी पिलाने या दूध का एक घूंट पिलाकर अफ्तारी कराने वाले को भी ये सवाब देता है। इस महीने का इब्तदाई हिस्सा रहमत, दरमियाना हिस्सा मगफिरत है और आखिरी हिस्सा दोजख है। इस महीने का इब्तदाई हिस्सा रहमत है, दरमियाना हिस्सा मगफिरत है और आखिरी हिस्सा दोजख से आज़ादी है। जो शख्स इस महीने में अपने मुलाजिम पर तख़फ़ीफ करता है अल्लाह ताला उसे बख्श देता है और उसे दोजख से आज़ाद कर देता है। इसमें चार काम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो। दो कामों के ज़रिए तुम अपने रब को राज़ी करोगे और दो कामों के बग़ैर तुम्हारे लिए कोई चाराकार नहीं। जिन दो कामों के ज़रिए तुम अपने रब को राज़ी करोगे उनमें से एक ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना है और दूसरा उससे बख्शिश तलब करना है। जिन दो कामों के बगैर तुम्हारे लिए कोई चारा नहीं उनमें से एक ये है कि तुम अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करो और दूसरा ये है कि दोजख से पनाह मांगो। जो शख्स रोज़ेदार को पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उसे मेरे हौज से पानी पिलाएगा, उसे जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। नाज़रीन, बेशक रमज़ान मुस्लिम उम्मा के लिए सब्र शुक्र और एहसास इंसानियत बेदार करने का महीना है। जब हम सहर से अफ्तार तक
रोजे की हालत में अपने रोजमर्रा के काम भरपूर अंदाज में सरंजाम देते हैं तो हमारे जिस्म को तवानाई अता होती है, जबकि जिक्र खुदा से जहन और दिल रोशन होते हैं। जब एक मोमिन रोजे की नियत करता है और दिन भर काम में मसरूफ रहकर जब भूख महसूस करता है तो वो एहसास करता है अपने उन मोमिन भाइयों का जिन्हें भूख और अफलास का सामना है और एक वक्त की रोटी भी मयसर नहीं। जब वो रोजे की हालत में प्यास महसूस करता है तो उसे एहसास होता है उन भाइयों का जिनके पास पीने के पानी की किल्लत है, और जब रोजे की हालत में दिन की कड़ी धूप में अपने काम से फारिग होकर आराम के लिए घर की जानिब रवाना होता है तो उसे एहसास होता है अपने उन मोमिन भाइयों का जिनके पास रहने के लिए घर और सर छुपाने के लिए कोई छत नहीं। इस मौके पर इन्नल्लाह मा सौबरीन और इन्नल्लाह मा शाकिरीन के कलमात बेसाख्ता जुबान पर जारी होते हैं। नाजरीन, रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से पहले आने वाले अंबिया की कौमों पर भी रोजे फर्ज किए गए थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत पर रोजों को फर्ज करने का मकसद सब्र शुक्र और एहसास इंसानियत बेदार करना भी है। हमें उम्मीद है नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम के जरिए रमजानुल मुबारक की अहमियत से आप फैजियाब हुए होंगे। प्रोग्राम चरागे राह से अलमीना कमल शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगेबान।